हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी इस वीडियो में। एक अच्छा ब्लॉग जो आपके लिए लेके आया हूँ, आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, तो मेरी इस वीडियो में अंत तक बने रहे। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, आप सभी भली भांति जानते होंगे कि मुंबई हमारे देश की आर्थिक राजधानी है। मुंबई एक ऐसा महानगर है जहां पर पूरे भारत के उद्योगपति अपना मुख्यालय बना करके रहते हैं और पूरे भारत में व्यापार करते हैं, और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मुंबई का सबसे बड़ा योगदान है। इसी वजह से इसको आर्थिक राजधानी कहा जाता है। तो दोस्तों, मैं करने निकला हूँ मुंबई दर्शन। यहाँ की सुंदर सुंदर सड़कें और खूबसूरत प्लेसेस जो कि काफ़ी मनमोहक करते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। आप देख भी सकते हैं, मैं जितना हो सकता है सारा कुछ मैंने कैप्चर किया हुआ है। दोस्तों, ये जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये आप कौन सी जगह है मुझे बताएंगे आप लोग, कमेंट में जरूर बताना इसे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सामने मंत्रालय है। मंत्री द्वारा जितने भी जो कार्य होते हैं वो यहीं पे पूरे किए जाते हैं। यहाँ पे अंदर मैं जा नहीं सकता क्योंकि प्रतिबंधित क्षेत्र होता है, यहाँ पे आम जनता के लिए तो होता ही नहीं है। पास चाहिए होते हैं यहाँ पे, या फिर जो स्टाफ होते हैं मंत्री से रिलेटेड वही जा सकते हैं। तो चलिए, मैं चलता हूँ और आगे दिखाता हूँ मैं आपको मैं और कहाँ गया। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरे साथ घूम के मुंबई? अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक भी करते जाइए। यह एक प्रवेश द्वार है और मैं प्रवेश कर रहा हूँ एक ऐसे स्थान पे जो आप लोग भी देखेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो ये है जी आपके सामने गेटवे ऑफ इंडिया। यह मुंबई के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है और दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। भारत को आज़ादी मिलने के बाद अंतिम ब्रिटिश सेना गेटवे ऑफ इंडिया के द्वार से होकर ही वापस गई थी। यह स्मारक अरब सागर से होकर आने वाली जहाजों के लिए भारत का द्वार कहलाता है। तो गाइस, ये मैं हूँ और ये लड्डू है, मतलब में हमारी बिटिया बेटी है हमारी, और हम लोग यहाँ पे अपनी सेल्फी ले रहे थे और गर्मी भी लग रही थी बहुत। दोस्तों, ये है समंदर का खूबसूरत नज़ारा। बहुत सारी बोट्स खड़ी हैं। इच्छा तो बहुत हो रही थी हमारी कि हम बोटिंग करें, जिसमें हम लोग जा नहीं सकते थे, बस दूर से देख सकते थे। दोस्तों, ये है सामने ताज। ताज का दीदार करने में बड़ा अच्छा लग रहा था, जिसे सर पे नहीं पहन सकते बस देख सकते हैं। देख के खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय करिए आप लोग। देख क्या सकते हैं, मतलब इसमें जा भी सकते हैं। होटल से ये तो होटल है, लेके नहीं गए ना ऑफिस में? हाँ, जाना चाहिए था, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम चलेंगे जरूर ना। बिल्कुल चलेंगे। तो दोस्तों, ताज देख लिया, गेटवे ऑफ इंडिया घुमा दिया मैंने, लेकिन कुछ और चीजें बची हुई हैं जो मैं आगे वीडियो में आप तक आपको दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग जहाँ जहाँ घूमते हैं आप लोग को भी दिखाते हैं और हर जगह भी टूर कराते हैं, और हम लोग भी बहुत एंजॉय करते हैं और आप लोग भी करते हैं। तो आप लोग को अच्छा लगता है तो एक लाइक तो कर दिया करिए प्लीज। ये बोट से लोग बोटिंग करके उतर रहे थे, मन तो कर रहा था क्योंकि उतरने के बाद मैं भी पहुंच जाऊं, पर नहीं जा सकते थे ना, अभी बेबी बहुत छोटा है तो समुन्दर में जाना अलाउड नहीं है। वाओ, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए जाएंगे तो जरूर जाएंगे, बोटिंग भी करेंगे हम। हाँ, जब बेबी बड़ी हो जाएगी तब जाएंगे, तो बोटिंग जरूर करें। दोस्तों, यहाँ पे घूमने की जगह बहुत है।
अभी हम ना गेटवे ऑफ इंडिया और ताज से निकल गए, और वहाँ से निकलने के बाद हमने देख सकते हो कहाँ पे हैं, ये बीच है, ये बीच है और बीच पे हम जा रहे हैं। कौन सा बीच है ये? ये है आपका, बता दूँ? हाँ। तो ये है मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव पे यहाँ लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगता है बैठने में बीच पे, समंदर के किनारे बैठ करके लहरों का आनंद लेते हैं। हमें भी बहुत अच्छा लगा था, बहुत देर तक बैठे थे। उसके बाद फिर हम पहुँचे गिरगा चौपाटी। ये चौपाटी है, चौपाटी का नजारा देख सकते हैं। फोटो खिंचाए थे हमने और वीडियो भी, और इंस्टा पे भी बनाए थे वीडियो, रील्स वगैरह। बहुत लोग देखते होंगे तो जानते ही होंगे। देख सकते हैं आप, मैं एक बार बैक कैमरे से दिखाता हूँ कि चौपाटी का क्या नजारा होता है यहाँ पे, देखिए। दोस्तों काफी देर तक हम लोग बैठे रहे बीच पे, मन तो नहीं कर रहा था आने का, तो फिर हमने भेलपूरी खा लिया था ना वहाँ पे, अच्छा था ना? बहुत अच्छा था। और उसके बाद काफी भूख लगी तो हमने फिर पाव भाजी वगैरह खाई। पाव भाजी खाया था, वो तो जबरदस्त था ना, बहुत अच्छा लगा मुंबई का पाव भाजी। इसके बाद हमने कंप्लीट किया, फिर निकल गए हम। देख सकते हैं ये शाम का नजारा, मुंबई जितनी दिन में खूबसूरत लगती है उससे कहीं ज्यादा आपको शाम को नजर आएगी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है मुंबई। अगर आपको घूमना है तो शाम घूमिए। मरीन ड्राइव हो गया, जैसे अभी आपको मैं दिखाया भी था, मरीन ड्राइव शाम बहुत अच्छी होती है मरीन ड्राइव की। मैं सोच रहा था लेकिन हम ज़्यादा लेट तक रुकना नहीं चाह रहे थे, इसलिए हम वहाँ से निकल गए और देख भी सकते हैं। शाम को तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब गर्मी नहीं लग रही थी, वहाँ पे इतनी गर्मी होती है ना मुंबई में, लेकिन शाम को बहुत अच्छा मौसम लग रहा था और मज़ा भी बहुत अच्छा। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मतलब हम कहीं अलग जगह है, ऐसा लगता दिल्ली में हम। उस टाइम तो दिल्ली जैसा फील हो रहा था रात को। सामने देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है रात का नजारा। वैसे मुझे अभी तक पता नहीं चला ये क्या है। ये सामने है महानगर पालिका। अच्छा हाँ, इसका ही तो शॉर्ट वीडियो लेने के लिए हम बार बार जा रहे थे ना। और ये है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, और ये पास से तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके लाइटिंग ऐसा लग रहा था कि फ्रेम किया हुआ है। इसको मैं और अच्छे से दिखाऊंगा, अभी आप सबों को और पास से दिखाता हूं मैं। ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके हमने शॉर्ट्स वीडियो भी डाला है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों ने आज की वीडियो में काफी एंजॉय किया होगा। तो मेरा भी सफर काफी बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया मुझे। तो आज का सफर यहीं तक समाप्त होता है, मिलते हैं आप लोगों को, एक और अच्छी वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल।